हेलो एवरीवन, दिस इज मुकेश कुमार। आई वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ बायोसीखो। पिछली क्लास में हमने बेसिकली डिस्कस किया था टर्पिन के बारे में। तो अभी लास्ट दो क्लास से हम लोग टर्पिन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में। इसमें हमने टर्पिन्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे की ओर। और आज टर्पिन को फाइनली हम लोग ख़त्म कर देंगे और फिर हम लोग इसका जो फिनोलिक कंपाउंड है वो, दैट इज़ फिनोलिक मेटाबोलाइट, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रैप अप कर लेते हैं टर्पिन्स को, जिसमें हमने एक बार तो समराइज करते हैं कि टर्पिन्स में हम लोग क्या क्या पढ़ा था। टर्पिन्स में हम लोग जो फर्स्ट क्लास जब लिया था, दैट इज़ वाज इंट्रोडक्शन क्लास। इंट्रोडक्शन क्लास में हमने टर्पिन के बारे में डिस्कस किया था कि टर्पिन्स क्या होते हैं, उनको कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है टर्पिन का। और सेकेंड क्लास में फिर हमने देखा कि ये जो टर्पिन है उसका बायोसिंथेसिस कैसे होता है, मतलब कि ये जो टर्पिन है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, वो भी हमने देखा। बेसिकली दो बायोसिंथेटिक पाथवे हम लोग देखे टर्पिन्स का, जिसमें मेवालोनिक एसिड पाथवे एंड द सेकेंड वन इज दैट इज मिथाइल एरेथ्रोटोल पाथवे। दोनों पाथवे को हमने डिटेल में देखा था। और दोनों पाथवे को डिटेल में देखने के बाद हम लोग को एक चीज़ पता चला था कि टर्पिन का जो बायोसिंथेसिस का जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है, दैट इज आइसोपेंटाइल पाइरोफॉस्फेट, जिसको हम लोग बोलते हैं IPP, जो कि एक 5 कार्बन कंपाउंड होता है। तो ये सब प्रीकर्सर फॉर व्हाट, फॉर द सिंथेसिस ऑफ टर्पिन, जो कि एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। तो आज हम लोग इस लेक्चर में की पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे टर्पिन के बारे में, जहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। टर्पिन्स के क्लासिफिकेशन में जो हमने देखा था कि कुछ सम टर्पिन्स थे, जैसे कार्डियोलाइट्स, किकोटा, सपोनिन्स, फाइटोएक्डिशन, ये सब के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जानेंगे। जो की पॉइंट्स है उसका क्या रोल है, वो कैसे हम लोग को अफेक्ट करता है या फिर इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है, उन सारी चीज़ों के बारे में, उन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग जो टर्पिन था, टर्पिन में हम लोग क्या पढ़े थे। ये टर्पिन जो है ये क्या था आपका, दैट इज इट इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ये क्या था आपका, सेकेंडरी मेटाबोलाइट था, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ठीक है, तो ये जो टर्पिन है सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, लेकिन कुछ कुछ टाइम में ये और कुछ कुछ जगहों पे ये प्राइमरी मेटाबोलाइट का भी काम करता है, दैट इज इट कैन एक्ट एज अ प्राइमरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट है लेकिन इट ऑल्सो कैन एक्ट एज अ प्राइमरी मेटाबोलाइट, दैट इज वी कैन से इट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, सॉरी प्राइमरी मेटाबोलाइट, मतलब ये प्राइमरी मेटाबोलाइट का भी काम कर सकता है। कौन, दैट इज टर्पिन। तो टर्पिन क्या है, एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट से हमने पढ़ा था, लेकिन ये कुछ कुछ जगहों पे ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का भी काम कर सकता है। तो टर्पिन जैसे है प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट, दोनों हो सकता है। इट मे बी अ प्राइमरी मेटाबोलाइट और इट कैन बी अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो देखो कुछ कुछ जगह पे ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का भी काम करता है, जैसे कि जो एब्सेसिक एसिड है, दैट इज ABA, जिबरलिक एसिड GA, स्टेरॉल, ये सब क्या है, ये बेसिकली क्या है आपका, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, लेकिन ये प्राइमरी मेटाबोलाइट की तरह भी वर्क करता है। कौन कौन सा, दैट इज एब्सेसिक एसिड, दैट इज ABA, जिबरलिक एसिड, दैट इज GA, एंड द थर्ड वन इज दैट इज स्टेरॉल्स, स्टेरॉल्स, सॉरी ABA, फिर आपका GA, दैट इज जिबरलिक एसिड, एंड द थर्ड वन इज दैट इज स्टेरॉल्स। तो ये सारे कुछ है केमिकल कंपाउंड है जो कि आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। ये क्या है आपका, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, लेकिन ये एक्ट करते हैं किसके जैसा, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के जैसा। तो हम लोग कंक्लूजनली देखें तो टर्पिन्स दो हो सकते हैं, दैट इज प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, लेकिन बेसिकली जो टर्पिन्स होते हैं वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, लेकिन कुछ कुछ जगह पे कुछ कुछ जो इसके कंपाउंड है वो एज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वर्क करते हैं। तो
तो अगर पूछा जाए कि कौन कौन से वो केमिकल कंपाउंड है जो टर्पिन का, जो कि अगर सेकेंडरी होते हुए भी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का वर्क करता है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के जैसे फंक्शन करता है, तो दैट इज ए बी ए जी ए एंड स्टेरॉल्स। ठीक है, तो ये था टर्पिन। सेकेंड चीज हम लोग देखते हैं कि ये जो टर्पिन था, हमने पढ़ा था सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो बेसिकली होता है वो क्या करता है कि उसको डिफेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट हर्बिवोर्स एंड आपका जितने भी मैमल्स है या ह्यूमंस है या फिर इंसेक्ट है, उन सारे चीजों से, तमाम चीजों से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है प्लांट को। तो टर्पिन क्या है, दैट इज ऑल्सो अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सो वी कैन से दैट ये जो टर्पिन्स होता है दे आर मेनली टॉक्सिक इन नेचर, ये नेचरली वेरी टॉक्सिक होता है। और किसके लिए, नेचर में किसके लिए टॉक्सिक होता है, फॉर द एनिमल्स प्लांट फीडिंग इंसेक्ट्स, मतलब कि कुछ एनिमल्स होते हैं जिसके लिए टॉक्सिक होता है, एंड द सेकेंड वन इज दैट इज कुछ इंसेक्ट्स भी होते हैं जो प्लांट में फीडिंग करते हैं, मतलब खुद का खाना प्लांट से ऑब्जॉर्व करते हैं, दैट काइंड ऑफ एनिमल्स को ये अफेक्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि ये मेटाबोलाइट्स बेसिकली प्लांट्स में पाया जाता है। और हम लोग पहले ही पढ़ा था कि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो प्लांट्स को हर्बिवोर्स के अगेंस्ट आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, बायोकेमिकल डिफेंस प्रोवाइड करता है। तो वी कैन से दैट टर्पिन आर बेसिकली टॉक्सिक इन नेचर फॉर एनिमल्स, प्लांट्स, प्लांट्स फॉर व्हाट, विच प्लांट, विच इंसेक्ट, विद द इंसेक्ट्स विच फीडिंग ऑन प्लांट, मतलब वैसे इंसेक्ट जो अपना फीडिंग, अपना खाना प्लांट पे डिपेंड करता है खाना के लिए, उस तरह के इंसेक्ट्स के लिए एंड हर्बीवोर्स के लिए, दोनों के लिए ये टॉक्सिक होता है। फॉर्म दैट इज टर्पिन। वी कैन से टर्पिन जो होते हैं ये क्या होता है, दैट इज दे आर टॉक्सिक इन नेचर, जहरीला होता है, दैट इज टॉक्सिक इन नेचर। ठीक है, और टॉक्सिक इन नेचर, नेचर में टॉक्सिक किसके लिए, तो फॉर द एनिमल्स, एनिमल्स एंड सेकेंड प्लांट फीडिंग इंसेक्ट्स, एंड प्लांट फीडिंग इंसेक्ट्स। जैसे कि वैसे टर्पिन्स को ले लो, वैसे प्लांट्स को ले लो जिसमें टर्पिन पाया जाता है, तो कौन कौन से प्लांट्स, जैसे हम लोग ने पढ़ा था नीम का पेड़, तो अगर नीम का पेड़ को कोई जानवर अगर नीम के पत्ते को खाता है, उसका पेड़ को खाता है, तो उसको क्या करेगा ये टर्पिन, क्या करेगा उसको अफेक्ट, क्या बोलते हैं उसको, हार्म प्रोवाइड करेगा, दैट इज उसको हार्म करेगा एनिमल्स को जो उस प्लांट को फीड करेगा। उसी तरह कुछ इंसेक्ट्स होंगे जो नीम के पेड़ के लीफ को, लीफ को, लीफ पे फीडिंग करते हैं, उस तरह के इंसेक्ट्स जब उस लीफ को, अपना फूड को इनटेक करेंगे फ्रॉम द नीम ट्री, तो वो आपका जो टर्पिन है, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, वो इंटर कर जाएगा इंसेक्ट्स का डाइजेस्टिव सिस्टम में, और वो फिर उसको अफेक्ट करेगा। तो टर्पिन आर बेसिकली क्या है, ये टॉक्सिक इन नेचर होता है, फॉर होम, फॉर एनिमल्स एंड द इंसेक्ट्स विच आर फीडिंग ऑन प्लांट्स। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हो गया टर्पिन का। सेकेंड है दैट इज ये क्या करता है, ये मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है डिफेंस मैकेनिज्म, किसको, टू द प्लांट्स, किसके अगेंस्ट, दैट इज इंसेक्ट्स एंड मैमल्स। वी कैन से प्रोवाइड डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट, किसके किसके अगेंस्ट, दैट इज एनिमल्स एंड मैमल्स, और सॉरी मैमल्स एंड इंसेक्ट्स अगेंस्ट किसके, दैट इज मैमल्स एंड इंसेक्ट्स। तो ये बायोकेमिकल डिफेंस प्रोवाइड करता है किसके अगेंस्ट, दैट इज मैमल्स एंड इंसेक्ट के अगेंस्ट। थर्ड हम लोग लिख सकते हैं कि जो टर्पिन होता है ये बेसिकली क्या कर रहा है, तो ओवरव्यू देखो, तो अगर टर्पिन क्या कर रहा है कि प्लांट्स को, इसका रोल बस टर्पिन का यही है प्लांट में, कि ये आपका जो टर्पिन है ये प्लांट्स को डिफेंस प्रोवाइड कर रहा है अगेंस्ट मैमल्स, इंसेक्ट्स, इसी सबके अगेंस्ट में, मतलब प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है किसके अगेंस्ट, दैट इज मैमल्स एंड इंसेक्ट्स के अगेंस्ट। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, एक तरफ से एडवर्टाइज कर रहा है किसका, दैट इज टॉक्सिसिटी ऑफ प्लांट, जो प्लांट है उसका टॉक्सिसिटी को ये एडवर्टाइज कर रहा है कि देखो हम कितना टॉक्सिक है, अगर हम कुछ खाओगे या फिर हमको इंजेस्ट डाइजेस्ट करोगे तो फिर तुमको इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये बेसिकली जो टर्पिन होता है, ये टर्पिन क्या करता है, दैट इज टर्पिन एडवर्टाइज
क्या होता है, टर्पिन एडवर्टाइज द टॉक्सिसिटी ऑफ प्लांट, द टॉक्सिसिटी ऑफ प्लांट, जो प्लांट का टॉक्सिसिटी है बेसिकली उसको ये प्रोपेगेट करता है, उसको एडवर्टाइज करता है इन द नेचर। ठीक है, तो ये था कुछ बेसिक्स की पॉइंट्स अबाउट टर्पिन। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे जो क्लासिफाइड किए थे टर्पिन का इन पायरीथ्रॉइड्स, फाइटोएग्रेशन, कार्डियोलाइट्स, क्यूकुटा, सपोनिन्स, इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले दैट इज पायरीथ्रॉइड्स। पायरीथ्रॉइड्स क्या है, दैट इज एक मोनोटॉर्पिन है। अब पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि मोनोटॉर्पिन क्या होता है, मोनोटॉर्पिन्स आर बेसिकली टू आइसोप्रीन। ठीक है, तो टर्पिन किससे बना होता है, अभी उसका प्रिकर्सर क्या होता है, दैट इज आइसोप्रीन। लेकिन जो मोनोटर्पिन होता है, हम लोग पढ़े थे कि जो मोनोटर्पिन, ट्राइटर्पिन, पॉलीटर्पिन, सारे जिसको क्लासिफाई किया था कि किस बेसिस पे, दैट इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया कि कौन सा टर्पिन होगा। तो अगर वन मोनोटॉर्पिन है इट मींस टू आइसोप्रीन। तो जो ये पायरीथ्रॉइड्स होते हैं, पहला क्या है, दैट इज पायरीथ्रॉइड्स। तो ये जो पायरीथ्रॉइड्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये मोनोटर्पिन होता है। क्या होता है, दैट इज मोनोटर्पिन। अब मोनोटर्पिन मींस टू आइसोप्रीन। और ये जो आइसोप्रीन होता है ये फाइव कार्बन कंपाउंड होता है। तो ये जो पायरीथ्रॉइड्स होते हैं ये होते हैं आपके मोनोटॉर्पिन, और एक मोनोटॉर्पिन बना होता है टू आइसोप्रीन मॉलिक्यूल से, और वन जो आइसोप्रीन मॉलिक्यूल होता है वो फाइव कार्बन कंपाउंड का होता है। और सेकंड चीज में लिख सकते हैं कि ये इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी शो करता है। क्या, दैट इज इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी, मतलब ये प्लांट को इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करके रखता है। कौन, दैट इज पायरीथ्रॉइड्स, जो कि एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। सेकेंड है आपका, दैट इज फाइटोएग्रेशन। फाइटोएग्रेशन, ठीक है, यह है सेकेंड टाइप ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, और वी कैन से टर्पिन। ये बेसिकली पाया जाता है पॉलीपोडियम वल्गेरी नाम का एक प्लांट है, जो फैमिली ऑफ प्लांट है, दैट इज पॉलीपोडियम वल्गेरी। कौन सा है, दैट इज पॉलीपोडियम वल्गेरी। ठीक है, तो जो पॉलीपोडियम वल्गेरी है उस पे प्लांट में ये पाया जाता है। कौन, दैट इज फाइटो एग्रेशन। ठीक है, तो ये जो पॉलीपोडियम वल्गेरी प्लांट है, तो इसमें क्या करता है कि ये जो इस प्लांट को कैसे प्रोटेक्ट करता है उसको हम लोग देखेंगे। ये फाइटो एग्रेशन किसको, दैट इज पॉलीपोडियम वल्गेरी को। तो कैसे प्रोटेक्शन करता है, तो ये बेसिकली फाइटो एग्रेशन क्या करता है कि ये डिसरप्ट कर देता है मॉल्टिंग प्रोसेस इन इंसेक्ट। कोई भी इंसेक्ट जब इस प्लांट को फीड करने आता है तो ये क्या करता है, जैसे ही वो फूड के थ्रू इंटेक होगा उस इंसेक्ट्स में, तो ये क्या करेगा, पॉलीएग्रेशन, वो क्या करेगा कि जो मॉल्टिंग प्रोसेस है उस इंसेक्ट का, मतलब कि मॉल्टिंग मतलब क्या होता है, मॉल्टिंग मीन्स बेसिकली शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन टू लेट द ऑर्गेनिज्म ग्रो, मतलब कि जो भी उसके ऊपर एक्सोस्केलेटन है वो हट जाता है, और ताकि वो ऑर्गेनिज्म और ज्यादा ग्रो कर सके। तो ये जो शेडिंग प्रोसेस है इसको ये इनहिबिट करता है। कौन, दैट इज फाइटोएग्रेशन। तो बेसिकली फाइटोएग्रेशन क्या करता है, ये डिसरप्टिंग करता है किसको, दैट इज मॉल्टिंग प्रोसेस को, जो कि एक इंसेक्ट्स में होता है, हर इंसेक्ट्स में ये मॉल्टिंग प्रोसेस होता है, उसको ये डिसरप्ट करता है, दैट इज पॉलीएग्रेशन। अब मॉल्टिंग प्रोसेस जो होता है बेसिकली क्या होता है, ये शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन टू लेट द ऑर्गेनिज्म ग्रो, मतलब कि जो भी इंसेक्ट है उसके ऊपर चारों तरफ एक्सोस्केलेटन का स्ट्रक्चर होता है, वो डिसरप्ट होता है, फिर वो ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। तो ये जो शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन है तो उसको ये इनहिबिट करता है। तो अगर एक्सोस्केलेटन आपका शेडिंग ही नहीं होगा एक्सोस्केलेटन का, तो जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो ही नहीं करेगा, फिर वो ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाएगा। तो बेसिकली यही करता है फाइटोएग्रेशन। तो ये क्या करता है, ये डिसरप्ट करता है, disrupts the molting process of insects, मतलब insects में
जो भी माल्टिंग माल्टिंग प्रोसेस होता है उसको ये डिसरप्ट करता है, डिसरप्ट करता है कौन, दैट इज फाइटो एडिशन। ठीक है, तो कैसे करता है, देखो तो सपोज कोई इंसेक्ट है वो इनिशियली किस स्टेज में लेगा, लार्वल स्टेज में, लार्वल स्टेज में रहेगा। तो दो आता है टर्म, दैट इज एडिशन एंड फाइटो एडिशन, दैट इज एडिशन एंड फाइटो एडिशन, फाइटो एडिशन। ठीक है, तो ये जो एडिशन होता है ये क्या करता है कि ये प्रोमोट करता है लार्वा को प्यूपा में कन्वर्ट करने के लिए। लार्वा से प्यूपा बनेगा, लार्वा से क्या बनेगा, प्यूपा, और फिर प्यूपा ग्रो करता है फर्दर इंसेक्ट्स में। ठीक है, तो दो है, दैट इज एडिशन एंड द सेकेंड इज फाइटो एडिशन। तो कोई भी इंसेक्ट का लाइफ स्टेज यही तीन स्टेप में चलता है, दैट इज फर्स्ट वन इज लार्वा, प्यूपा एंड थर्ड वन इज इंसेक्ट्स। तो ये जो लार्वा है, लार्वा से जब प्यूपा कन्वर्ट होता है, लार्वा से प्यूपा में कन्वर्ट होता है कोई इंसेक्ट, तो उस समय ये जो एडिशन होता है ये प्रोमोट करेगा किसको, दैट इज इसको प्रोमोट करेगा लार्वा से प्यूपा को क्या बोलते हैं, कन्वर्ट होने में। लेकिन ये जो फाइटो एडिशन है ये क्या करेगा, इसको इनहिबिट करेगा किसको, दैट इज लार्वा को प्यूपा में कन्वर्ट होने से इनहिबिट करेगा कौन, दैट इज फाइटो एडिशन। फाइटो एडिशन क्या किया बेसिकली, ये लार्वा को प्यूपा में कन्वर्ट होने से क्या किया, प्रिवेंट कर रहा, रोक रहा है वो उस प्रोसेस को, डिक्रीज कर रहा है ताकि उसका जो रेट है उसको डिक्रीज कर रहा है, उसको इनहिबिट कर रहा है, उस प्रोसेस को इनहिबिट कर रहा है, कौन सा प्रोसेस को, दैट इज लार्वा को प्यूपा में कन्वर्ट होने का प्रोसेस को इनहिबिट करता है कौन, दैट इज फाइटो एडिशन। तो अगर लार्वा से प्यूपा होता है, प्यूपा से फिर इंसेक्ट, मतलब प्यूपा से फिर ये ग्रो करेगा और फिर ये प्यूपा से ग्रो करके इंसेक्ट्स में कन्वर्ट होता है कोई भी इंसेक्ट्स। तो अगर मान लो लार्वा को प्यूपा में अगर कन्वर्ट ही होने नहीं देगा फाइटो एग्रीशन, तो वो प्यूपा फिर इंसेक्ट्स में ग्रो ही नहीं कर पाएगा, वो ग्रो कर पाएगा नहीं। तो जब ग्रो नहीं कर पाएगा तो वो जो लार्वा है, जो इंसेक्ट्स है, वो उसका डेथ हो जाएगा। तो यही चीज करता है फाइटो एग्रीशन, जब भी कोई इंसेक्ट या लार्वा इसमें फीड करने आता है तो ये फाइटो एग्रीशन क्या करता है, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू इंटर, मतलब फूड के थ्रू इंटर करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके जो भी प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस, उसको ये डिसरप्ट करता है, दैट इज बेसिकली ये मॉल्टिंग प्रोसेस जो होता है इंसेक्ट का उसको डिसरप्ट करता है। अतः मॉल्टिंग मतलब जो शेडिंग, एक्सोस्केलेटन रहता है उसका शेडिंग होना ताकि वो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सके। लेकिन ये लार्वल स्टेज से जैसे प्यूपा में ग्रो करता है फिर इंसेक्ट में ग्रो करेगा, कोई भी इंसेक्ट, लार्वा, प्यूपा, देन इंसेक्ट्स। तो जब लार्वा से प्यूपा में ग्रो करने का टाइम आता है तो एट दैट टाइम ये फाइटो एडिशन क्या करता है, लार्वा से प्यूपा का जो प्रोसेस होता है कन्वर्ट होना, उसको ये इनहिबिट करता है। फिर फर्दर जब इनहिबिट कर देगा तो प्यूपा फिर ग्रो ही नहीं कर पाएगा इंसेक्ट्स में और उस इंसेक्ट्स का डेथ हो जाएगा। दूसरे से ये जो फाइटो एडिशन है ये बेसिकली क्या कर रहा है, दैट इज लार्वा साइडल एक्टिविटी शो कर रहा है, लार्वा साइडल एक्टिविटी। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि कौन सा सेकेंड टर्पिन है जो लार्वा साइडल एक्टिविटी शो करता है, तो दैट वन इज फाइटो एग्डिशन। ठीक है, थर्ड हम लोग पढ़ेंगे दैट इज कार्डियोलाइट्स। तो कार्डियोलाइट्स क्या होता है, ये बेसिकली बहुत टॉक्सिक होता है किसके लिए, हर्बिवोर्स के लिए, वैसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड के लिए, फीड के लिए आपका प्लांट्स पे, वेजिटेबल्स पे डिपेंड रहते हैं, उस तरह के ऑर्गेनिज्म में को ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि कैसे वो नुकसान पहुंचाते हैं। थर्ड वन इज दैट इज कार्डियोलाइट्स, कार्डियोलाइट्स। ठीक है, तो कार्डियोलाइट्स क्या होता है, बेसिकली बहुत टॉक्सिक होता है किसके लिए, एक्सट्रीमली टॉक्सिक फॉर होम, फॉर हर्बीवोरस, मतलब हर्बीवोरस के लिए बहुत टॉक्सिक होता है कौन, दैट इज कार्डियोलाइट्स। तो ये हर्बीवोरस को कैसे इफेक्ट करता है, तो हम लोग बॉडी में क्या होता है कि पंप होता है बहुत सारा, देर इज सोडियम का पंप, पोटेशियम पंप,
जो कि क्या करता है, कोई भी आयंस का दैट इज रेगुलेट करता है फ्रॉम इनसाइड द सेल टू द आउटसाइड सेल, या फिर किसी तरह का कंपाउंड है उसको इनटेक करने में ये पंप हेल्प करता है। तो ये क्या करता है कि ये जो कार्डियोलाइट्स है, जब इसको कोई हर्बीवोरस फीड करता है तो ये क्या करता है कि सोडियम पोटाशियम पंप जो हम लोग का हार्ट सेल्स में होता है उसमें ये जो इनहिबिट कर देता है उस सोडियम पोटाशियम पंप को। तो सोचो अगर सोडियम पोटाशियम पंप ही अगर वर्क ना करे तो आपका बहुत सारा आयंस का इंटेक नहीं होगा, बहुत सारा सब्सटेंसेस का इंटेक नहीं होगा, और वो फिर क्या करेगा, वो जो सेल है वो परफॉर्म करना बंद कर देगा। तो ये क्या करता है, बेसिकली ये करता है आपका इनहिबिट करता है, इनहिबिट द सोडियम एंड पोटाशियम पंप, सोडियम और पोटाशियम पंप को इनहिबिट करता है व्हिच आर प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ हार्ट सेल्स पंप और इनहिबिट द सोडियम एंड पोटाशियम पंप ऑफ हार्ट सेल्स। तो कोई भी जैसे कि ये सपोज हार्ट सेल्स है तो इसमें यहाँ पे क्या होगा, आपका पंप प्रेजेंट होगा। सपोज ये सोडियम का पंप है, ये पोटाशियम का पंप है, तो ये पंप को ये इनहिबिट कर देगा। तो जब इनहिबिट कर देगा तो आयंस का एक्सचेंज नहीं होगा, बहुत सारे न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज नहीं होगा, ग्लूकोज वगैरह का एक्सचेंज नहीं होगा, तो ये सेल अल्टीमेटली इसका सेल का डाई हो जाएगा, डाई कर जाएगा, ये सेल मर जाएगा। तो ये क्या करता है, इस सोडियम जो पोटाशियम पंप होता है हार्ट सेल्स का उसको ये इनहिबिट कर देता है एंड कॉज वेरियस हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, बहुत सारा हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम फिर होना शुरू कर जाता है, दैट इज ड्यू टू कार्डियोलाइट्स। ठीक है, अब फोर्थ हम लोग पढ़ेंगे दैट इज किकुटा के बारे में। फोर्थ वन क्या है, दैट इज किकुटा। ये जो किकुटा होता है ये वोल्टेज गेटेड जो पोटाशियम पंप होता है उसको ब्लॉक करता है, ब्लॉक्स वोल्टेज गेटेड पोटाशियम, वोल्टेज गेटेड कौन सा चैनल, दैट इज पोटाशियम पंप। वोल्टेज गेटेड पोटाशियम पंप कहने का मतलब है कि देखो मेम्ब्रेन, कोई भी मेम्ब्रेन का रेस्टिंग, मान लो कोई भी लगभग मेम्ब्रेन का क्या होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल दैट इज आरएमपी -70 मिली वोल्ट। ये क्यों होता है, ड्यू टू सोडियम एंड पोटाशियम आयन। ठीक है, पोटाशियम आयन, इसी आयंस के कारण ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हम लोग का रहता है। तो जब ये मेम्ब्रेन पे, सपोज ये एक मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन में एक पंप है, ठीक है, तो इस पंप का जब रेगुलेट इस आरएमपी के कारण होता है कि ये आरएमपी दैट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिसाइड करता है कि वो चैनल कब ओपन होगा और कब क्लोज होगा, इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट या वोल्टेज गेटेड पंप। तो अगर ये पोटाशियम पंप है तो वोल्टेज गेटेड पोटाशियम पंप, अगर सेम पंप अगर सोडियम पंप है तो वोल्टेज गेटेड सोडियम पंप। तो ये बेसिकली किकुटा क्या करता है कि जो वोल्टेज गेटेड पोटाशियम पंप होता है हम लोग का इनसाइड द सेल, इनसाइड द बॉडी, उसको ये ब्लॉक कर देता है किकुटा। और कार्डियोलाइट्स क्या कर रहा था, सोडियम पोटाशियम पंप ऑफ हार्ट से, जो नॉर्मल सोडियम पोटाशियम पंप है उसको ब्लॉक कर रहा था, लेकिन जो किकुटा है वो वोल्टेज गेटेड पोटाशियम पंप को ब्लॉक करता है। देयर इज माइनर डिफरेंस बिटवीन एक्शन ऑफ कार्डियोलाइट्स एंड किकुटा। फिफ्थ वन आता है दैट इज सपोनिंस। फिफ्थ वन क्या है आपका, दैट इज सपोनिंस। सपोनिंस क्या करता है कि ये डिटर्जेंट लाइक प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब कि जो भी हर्बीवोरस होता है उसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे ये क्या करता है आपका, दैट इज बाइंड करता है और अपना इफेक्ट शो करता है। तो ये जो सपोनिंस होता है, सेपोनिंस क्या करता है, डिटर्जेंट लाइक बिहेवियर शो करता है, डिटर्जेंट लाइक बिहेवियर शो करता है। मेनली ये क्या करता है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है किसका, दैट इज हर्बीवोरस का, दैट इज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ binds with
डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ हार्बीवोरस, मतलब जो हार्बीवोरस होता है उसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे बाइंड करता है, उसके जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का जो परमिएबिलिटी होता है उसको ये इंक्रीज करता है, दैट इज इंक्रीजेस परमिएबिलिटी और वी कैन से चेंज द परमिएबिलिटी ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो सपोज करो अगर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का परमिएबिलिटी को ये चेंज करे, मतलब तो अगर परमिएबिलिटी चेंज हो जाएगा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, तो ये क्या होगा कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का जब परमिएबिलिटी चेंज होगा तो कोई भी न्यूट्रिएंट का जो एब्जॉर्प्शन है वो चेंजेस होगा, उसका डिले होना शुरू हो जाएगा या फिर बहुत फास्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करेगा, हार्बीवोरस के डाइजेस्टिव सिस्टम को ये अफेक्ट करेगा। तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली जो परमिएबिलिटी है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का किसका, दैट इज ऑफ हार्बीवोरस, उसको ये अफेक्ट करता है, उसको ये परमिएबिलिटी को इसको चेंज करता है। तो ये कुछ आपका टर्पिन था जिसको आज हम लोग देखे, और बेसिकली आज हम लोग का टर्पिन्स कंप्लीट हो गया, ठीक है। 3 क्लास लगा हम लोग को ये कंप्लीट करने में। अगला लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फिनोलिक कंपाउंड के बारे में, दैट इज फिनोलिक मेटाबोलाइट्स के बारे में, कि फिनोलिक में जो जो आते हैं सेम वे में उसका बायोसिंथेसिस कैसे होता है, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे, उसका जो क्लासिफिकेशन था उसमें उन सारे फिनोलिक मेटाबोलाइट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक